ये सारे कैब वाले ऐप्स है ना, इनका स्कैम भी अलग लेवल है। जब बुकिंग करता हूँ तब बताता है 200 रुपए होंगे, जब पहुंच जाता हूँ तब बताता है 300 हो गए। अगर ये आपके साथ हुआ है तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, एक हैक बताता हूँ, आगे कभी नहीं होगा। आपको भी पता है, भूल जाओगे तो पहले वीडियो सेव करो। जब आप एक राइड बुक करते हो तब सिंपली अपने राइड का स्क्रीनशॉट ले लेना, और आपके राइड के एंड होने पर अगर फेयर चेंज हो जाता है तो आपको सिंपली कस्टमर सपोर्ट को कॉल करना है। उनको आपको ये बताना है कि मुझे एक फेयर प्रॉमिस किया गया था लेकिन एक्चुअल फेयर उससे बहुत ज्यादा था। उसके बाद ज्यादातर केसेस में जो डिफरेंस आता है आपके अमाउंट में, ये एडजस्ट हो जाएगा और आपको रिफंड मिलेगा। ऑब्वियसली ये हर एक केस में नहीं मिलेगा, कुछ फैक्टर्स पर ये चीज डिपेंड करती है। नंबर वन, जो मैप आपको रास्ता दिखाता है, आप अगर उसी रास्ते से जाते हो, रूट चेंज नहीं करते हो, तो आपको रिफंड मिलेगा। नंबर टू, जो सारे डिलेज आपके वजह से होते हैं, अगर आप रूट चेंज करते हो या फिर कैब में आने के लिए बहुत टाइम लगा देते हो, तो अगर फेयर इसके वजह से बढ़ा है आपको वापस नहीं मिलेगा। पॉइंट ये है कि अगर आप आवाज करोगे तब जाके रिफंड मिलेगा, अगर कुछ नहीं करोगे तो सिर्फ ये मिलेगा। एनीवे, शेयर दिस विद योर फैमिली ग्रुप एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।